ठीक, तो ये इलस्ट्रेशन है 59। देखो इसमें न्यूमरेटर को देखो ज़रा ध्यान से, वहाँ मैं √3/2 और हाफ क्रिएट कर सकता हूँ। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर एज वेल आई कैन क्रिएट 1/√2, है ना, माइनस i/√2, ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ मैं, है ना। तो √3/2 और हाफ का तो π/3 वाला कॉम्बिनेशन है ही, cos 30 को π/6 वाला कॉम्बिनेशन है ही, है ना। यहाँ से मैं cos π/6 और यहाँ से मैं cos π/4 sin π/4 ये चीज़ निकाल सकता हूँ, समझे। ऐसा ये मेरी इंटेंशन रहेगी। और पावर को तो अपन DMT लगा के ठीक कोपचे में ले ही लेंगे, आड़े हाथ उसको तो ले ही लेना अपने को, ठीक है। अच्छा तो देखो ध्यान से, पहले न्यूमरेटर को देखो क्या है, √3 iota की पावर 17। इसको ऐसा कर लेते हैं, √3/2 i/2 की पावर 17 डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ऐसा जमा लो इसको। तो अब है ना ये कितना हो जाता है, इसको देखो मैं लिख सकता हूँ जैसा कि मैंने कहा था, cos π/6, दिस इज sin π/6। तो पावर जब तुम नीचे घुसा लोगे तब तो कितना हो जाएगा, 17π/6, है ना, DMT लगा के sin 17π/6। अच्छा ये हो जाता है काम, बढ़िया। अब 17π/6 कैसे करना पड़ेगा इसको, 3 से तो बड़ा नहीं है ये, 2 जा, है ना। तो 2π अगर मैं बाहर भगा दूँ तो इसको कर सकते हैं कितना, cos of 2π हटा दो उसमें से, कितना बचेगा 5π/6। अब आना लाइन पे, +iota sin 5π/6। ये अच्छी बात है यार, दोनों एंगल सेम सेम रहते हैं तो लिखने में तकलीफ कम रहती है। अच्छा ये तो हो गया, अब इसका सिंप्लीफिकेशन तो और क्या करें। खैर अब डिनोमिनेटर है ना, उसको देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है इनका। तो 1 iota की पावर 50 लिखा है बड़े प्यार से, तो 1/√2 तो पहले ही है ना, -1/√2 iota, ऐसा आयोटा पहले लिखना अच्छा लगता है हमेशा यार, 1 √2 - iota/√2, है ना, पावर 50। अब देखो √2 से डिवाइड किया, √2 की पावर 50 यानी 2 की पावर 25, ठीक बात। अच्छा अब cos π/4 क्या कहते हो, है कि नहीं, तो sin π/4 है ना, तो माइनस में तो पावर चढ़ा लेते हैं, माइनस चढ़ा लेते हैं और क्या, तो कितना हो जाएगा, लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 2 की पावर 25 cos π/4, है ना, अब उसमें +i sin π/4 कितना हो जाता है, पावर -50, ठीक। ऐसा कर लो इसको, बस हो गया, गेम ओवर है ये तो। अब 50 को नीचे भी तो लाना पड़ेगा यार, पावर तुम फालतू ही ऊपर लेकर गया मैं इसको, तो माइनस ही रहन देता है यार, इससे अच्छा तो है तो ये माइनस ही रहन दो, ये लगा लो ऐसा, ठीक। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, cos of 50 का आधे का आधा 25π/2, ठीक है, -i sin वही 25π/2, ऐसा, ठीक है। अब 25 है, 25 में तो कितने 2π निकल सकते हैं, बाय 2 की अगर बात है तो 12, ठीक है, 12 तो पहले ही हटा लो, तो 24 तो बचेगा π/2, ठीक है, cos of π/2 - i sin π/2, ठीक। अब cos π/2 तो अपने को सबको पता है, 0 अंडा है ये। अच्छा चलो छोड़ो वो सब छोड़ो, अभी देखो अपने को आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है। इसको अपन बोल लेते हैं z1, ठीक है, इसको मैं बोल लेता हूँ z2, लेट, ठीक है, ऐसा लेट लगा लो बिंदास। अच्छा तो z1 / z2
इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा भाई? एम्पलीट्यूड मतलब वही होता है, आर्ग्यूमेंट को ही कहते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड वन माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टू, क्या कहते हो? तो इसका एम्पलीट्यूड तो आ जाता है अपने पास, यहाँ देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ 2 की पावर 17 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ, ये इसको बोल देता हूँ मैं, बोल लेते हैं कुछ Z3, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ Z3, तो वो तो अपने को पता ही है कितना है, वो 5π/6 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 5π/6 ऐसा। तो Z1 का एम्पलीट्यूड तो आ गया अपने पास 5π/6। अच्छा अभी देखो, तो इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे? इसको बोल लेते हैं अपन Z4, तो इसको ऐसा लिख लो, cos ऑफ -π/2 प्लस आए sin -π/2 ऐसा, जब बात। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ Z4, यहाँ देखो एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ 2 की पावर 25 विच इज़ अ रियल नंबर, तो जीरो मरेगा ये तो, पॉजिटिव रियल नंबर है, प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z4, तो ये आता है 0 प्लस -π/2 ऐसा। अच्छा अब दोनों वैल्यूज़ लाकर उठाकर पटकते हैं, यहाँ कितना कितना हो रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 कितना भाई? 5π/6 आया था ना, ये तो याद ही है मेरे को, माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 कितना आया था? 5π/2, जब बात। तो ये कितना हो जाता है? 8π/6, दैट कम्स आउट टू बी 4π/3, यानी 4π/3 ऐसा, ये आ जाएगा मेरे पास। दिस इज़ माई फाइनल आंसर। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा एक बात और, 4π/3 को देखकर मेरा आँख खटकी ज़रा, देखो यहाँ तीसरे क्वाड्रेंट में है ये साहब, देख रहे हो क्या? कहाँ पर है मियाँ? Z1/Z2 इज समवेयर हियर, ठीक, कैसे? पाई हटा दो, बचेगा कितना? पाई अगर हटा देते हो तो बचता है अपने पास 5/3, ऐसा है मामला, ठीक। तो ये एंगल है 4π/3, ये कितना हो जाएगा? दिस इज़ 2π/3, है ना, माइनस में। तो देयरफोर इसमें ध्यान रखोगे आर्ग्यूमेंट कितना है, इसका आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2, या फिर मैं कहूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज़ व्हाट, 4π/3 बोलो, कुछ भी बोलो, जो बोलना है बोलो, तो सब चलता है। पर व्हाट इज़ द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अगर किसी ने पूछा तो ना, बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना होगा भाई? है ना, दैट विल बी इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक रहता है? -π से π, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा मेरे पास -2π/3, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, ठीक, ध्यान रखना, ये नोट डाल के इसको भी लिख लोगे, ठीक है। अच्छा अब ओवर करते हैं अपन, ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।